सोलन शहर में सड़कों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुख्य सड़कों पर ही जगह जगह गड्ढे दिखाई देते हैं। अब ये पता लगाना मुश्किल हो चुका है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं और किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। शूलिनी मेले का आगाज कुछ दिनों में होने ही वाला है, परंतु शहर की मुख्य सड़कों की स्थिति ही दयनीय बन चुकी है। सोलन शहर के सपरूपन बाईपास के समीप सड़कों के बीचों बीच 2 फीट का गड्ढा बना हुआ है। गड्ढा इतना बड़ा है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और साथ ही आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना सामने आती ही रहती है, परंतु प्रशासन और फोरलेन के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरा नाम मान सिंह मेहता है। यहाँ पर जो है, जैसे डोरी द्वाल से आगे ये एक चौक है जहाँ एक दीव घाट को यहाँ से सड़क जाती है, एक परे रबोण के लिए जाती है। तो यहाँ इस चौक में जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन इसके ऊपर ना तो कोई यहाँ PWD वाले ध्यान दे रहे हैं, ना कोई यहाँ फोर लेन वाले इसकी कोई ये देख रेख कर रहे हैं। तो यहाँ अक्सर हम जब भी यहाँ खड़े रहते हैं तो यहाँ देखते हैं, अक्सर जब भी कोई गाड़ियाँ आती है तो कई बार यहाँ हम जैसे खड़े होते हैं तो बड़ी ज़ोर की आवाज़ें आती है, जैसे धड़ाम करके, तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे बाइक या स्कूटर या बड़ी गाड़ियाँ भी है, यहाँ खड्डे में जब टायर घुसते हैं तो बड़े ज़ोरों का ये होता है। तो यहाँ अभी तक कोई भी है मतलब फोर लेन वाले या कोई भी इसकी कोई सुध-बुध नहीं ले रहे हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि ये फोर लेन वालों से कि ये रोड का ध्यान दे, ताकि इसको जल्दी से जल्दी इस खड्डे को रिपेयर करें, ताकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है इस खड्डे की बदौलत। इसलिए मैं यही फोर लेन वालों से या प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो है जल्दी से जल्दी इस गड्ढे को भरे, इसकी रिपेयर करें, ताकि यहाँ कोई बड़ा हादसा होने से बच सके। तकरीबन 2-3 महीने से ये यहाँ गड्ढा है, और लेकिन ये घटना चुकी है, लेकिन हल्की कोई ऐसी जान माल की कहीं कोई इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। तो लेकिन अगर यही हाल रहा तो जैसे यहाँ आजकल टूरिस्ट आ रहा है, इतने भारी यहाँ पे वाहन आ जा रहा है, तो यहाँ कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए जो है इसको जल्दी से जल्दी इसका अगर फोर लेन वाले इसको रिपेयर करें इसकी, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा एक बच सकता है। ऑटो चालक मानसिक वर्मा ने मीडिया के माध्यम से रोष जाहिर करते हुए कहा कि 2 महीने से सड़क के बीचों बीच 2 फीट का गड्ढा बना हुआ है, जिसकी ओर फोरलेन के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑटो चालक ने मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द गड्ढों को भरा जाए, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना सामने न आए। सोलन से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।